हेलो फ्रेंड्स, ऐसे तो पिज्ज़ा खाना हर किसी को पसंद है, पर अगर वज़न कम करने की बात आए तो हमें पिज्ज़े को जो है छोड़ना पड़ता है। पर आज हम एक ऐसी पिज्ज़ा की रेसिपी लेके आए हैं। इस पिज्ज़ा को आप हफ्ते में 2 बार बना के खा सकते हैं। इसमें थोड़ा भी हमारा फैट नहीं रहता है और साथ में ही इसे हम बिना ओवन के बनाएंगे और इसमें बिना बेस का, तो इसे आप जब चाहे तब बना के खा सकते हैं। तो चलिए इस वेट लॉस वाली पिज्ज़ा को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे मूंग की दाल है, ये एक छोटी कटोरी है। इसे मैं 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दी थी। आप देख सकते हैं दाल जो है हमारा अच्छे से फूल गया है। इसका एक्स्ट्रा पानी को हम निकाल लेंगे। दाल के साथ में हम यहाँ पे एक हरी मिर्च को पीस के डालेंगे। तो मिर्च को इस तरह मैं तोड़ देते हुए हैं। ये मिर्च जो है कम स्पाइसी रहती है, इसीलिए मैं ऐसे बड़ा वाला एक मिर्ची डाल दी। और यहाँ हमारा बैटर जो है तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डालना है। बैटर जो है थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करने से दाल जो है थोड़ा सा लाइट वेट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें हम पिज्जे में डालने के लिए लेंगे थोड़ा सा शिमला मिर्च, प्याज, थोड़ा सा टमाटर और ये फ्रोजन कॉर्न है जिसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए उबाल ली थी और उस पानी में थोड़ा सा नमक भी डाली थी। प्याज को इस तरह हम खोल के ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 पिंच नमक। बहुत ज़्यादा इसमें हमें नमक नहीं डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिज्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे हम एक तवा का यूज करेंगे। तवा को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को पूरा लो कर देंगे। इसमें हमने सारा बैटर एक साथ ही डाल दिया था। अब इसमें हम एक राउंड शेप देते हुए इसको चारों तरफ से अच्छे से फैला देंगे। यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे कितने अच्छे से फैला दिया है। अब इसे हम 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे जिससे हमारा ऊपर का जो है थोड़ा सा पक जाए। 1 मिनट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ऊपर का जो है हमारा थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। तो इसमें अब हम लगा देंगे 1 छोटा चम्मच पिज्ज़ा सॉस, क्योंकि बिना पिज्ज़ा सॉस के पिज्ज़ा में टेस्ट नहीं आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ही सॉस का यूज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं हमने सॉस को अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा मोजरेला चीज़। चीज़ को भी हमने अच्छे से चारों तरफ फैला दिया है। अब हमने जो सब्जियों को काट के रखा तो उसे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर आप जितना सब्जियाँ डालेंगे ये पिज्ज़ा जो है उतना ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनता है। और इसे अब हम हाथ से अच्छे से दबा देंगे जिससे हमारा सारा सब्जियाँ जो है अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ हमारा पिज्ज़ा जो है तैयार हो चुका है, पर मुझे पिज्ज़ा में मायोनीज डालना अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मायोनीज को पाइपिंग बैग में भर के इस तरह पतले पतले राउंड करके डाल दे रही हूँ। पर अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो इसमें मायोनीज एकदम भी ना डालें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, तो इसे आप पूरा ही स्किप कर दें। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मिक्स्ड हब को इस तरह हाथ से क्रश करके चारों तरफ फैलाते हुए डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स और इसे अब हम ढक देंगे। गैस का फ्लेम जो है लो ही रखेंगे, तो यहाँ इस ढक्कन से ढाँक रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा वो चिपक जा रहा है, इसीलिए मैं इस तरह बड़े से पतीले से इसे ढाँक दे रही हूँ। 2 मिनट हो चुका है, तो इसे अब हम निकालेंगे एक बार और इसमें पलटे से इस तरह हम अलग कर देंगे, नहीं तो हमारा नीचे से जो बेस है वो जल जाएगा। यहाँ इसे हमने अच्छे से अलग कर लिया है, तो अब इसे हम फिर से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। एक पिज्ज़ा को बनने में टोटल 10 मिनट का ही समय लगता है। 5 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा चीज़ भी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और हमारा यहाँ पे पिज्ज़ा बन के तैयार हो चुका है और नीचे से भी ये अच्छे से पक चुका है।
तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरह अगर आपको वेट लॉस में भी पिज्ज़ा खाने को मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। अब इसे हम मैं कट कर लेती हूँ और ये पिज्ज़ा यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो आप भी इस तरह मूंग दाल वाली पिज्ज़ा बना के ज़रूर इन्जॉय करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।